फ्राई दे दिया गया। अब यहाँ का फ्राई 10th में 25 में 24 नंबर लाने वाले प्रेम कुमार, आप आइए अपना प्राइज ले जाइए। प्रेम कुमार गुप्ता आशीर्वाद। अब ये बताओ हमको भी मिलेगा सर, परीक्षा दिए कैसा लगा तुमको परीक्षा देने? टीटीएस एग्जाम जो दे रहे हो, आज दिए, इससे पहले मैथ का पेपर दिए, तो कुछ फायदा नजर आ रहा है इससे? क्या फायदा नजर आ रहा है? बहुत फायदा नजर आ रहा है। फायदा में बहुत क्या है? मतलब जैसे पूरा चैप्टर भी कर लेते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव निकल जाता है। नंबर तैयारी कैसा हो रहा है? तैयारी मेहनत ज्यादा करना पड़ा, ज्यादा कष्ट नहीं हो रहा है? मेहनत नहीं ना, कष्ट तो आरामदायक है। आईएससी में जो 25 में 23 नंबर लाए तन्वी, सबसे पहले तो तुम अपना परिचय बताओ सबको। आई एम तन्वी कुमारी फ्रॉम कर्मासा, आई टी इन क्लास 12। माई स्टडी फॉर पल्ली कोचिंग के डायरेक्टर मनोज सर एंड पंचम सर जो मैथ का टीटीएस जो एग्जाम दिए हो, इससे पहले भी जो मैथ का उसमें आपको प्राइज मिला है, कुछ फायदा नजर आ रहा है टीटीएस से? क्या फायदा नजर आ रहा है? मतलब टीटीएस एग्जाम चालू रहना चाहिए। अच्छा, कुछ आगे जो बच्चे इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं, बगाजी के कौवापुर में तो लगभग 200 स्टूडेंट से पार हो चुके हैं और यहाँ पर अभी 50-60 है, तो अगर जो टीटीएस एग्जाम नहीं दे रहा है तो उसके लिए क्या जो शब्द बोलना चाहोगे? इस एग्जाम में शामिल हो और हम लोग की तरह आगे बढ़े, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जमाना आ गया। 50, 100 में 50 तो क्या है, ऑब्जेक्टिव है, और जिसका तैयारी बढ़िया हो जाएगा तो 50 नंबर तो कम से कम हाथ में हो जाएगा। और इससे कम से कम फायदा है कि आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपसे छूट रहा है हम निकाल रहे हैं, दोनों फायदा हो रहा है। चलिए, और किसी को